Hi, this is Arindam, area manager Kolkata. सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर किसी से पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू इन योर लाइफ, आई थिंक सब ये सोचने के बाद यही कहेंगे कि इट इज हेल्थ, अपना और अपने नियर और डियर वंस का अच्छा हेल्थ मेंटेन रखना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गलती हम यहाँ पे करते हैं, हम सोचते हैं कि कब हम बीमार होंगे और उसके बाद कैसे हम ठीक होंगे। व्हाट वी डोंट थिंक इज कि अभी मैं ठीक हूँ तो अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए मैं क्या करूँ। And here, the most important part comes is to use supplements every day. Food supplements, nutritional supplements helps us to maintain our good health. अब supplements क्या है? लोग इसको confuse कर देते हैं with medicines. Because supplements के देखने में या तो tablets हैं, या capsules हैं, या powders हैं, या फिर liquid form में आते हैं. But these are actually food extracts जो खाना हमें खाना चाहिए. उसी का सबसे अच्छा पार्ट को लेके ये सप्लीमेंट्स को बनाया जाता है। एंड हियर ओरिफ्लेम द वेलनेस प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज वी हैव अ कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लान या सेट जो आपको हर रोज हेल्प कर सकता है। वी हैव न्यूट्रीशेक गिव्स अस द सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हर किसी को हम जानते स्कूल से पढ़े हुए कि हर किसी को प्रोटीन चाहिए फॉर द बिल्डिंग ऑफ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीजें चाहिए। एंड यू गेट दिस थ्रू प्रोटीन्स, बट राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन शायद ही कोई खाता है। जो खाना हम खाते हैं प्रोटीन सोचे तो उसमें प्रोटीन तो कम आता है, फैट ज्यादा आ जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रॉपर प्रोटीन, द राइट प्रोटीन जो हमें फूड सप्लीमेंट दे सकता है। और ये न्यूट्रिशन ओरिफ्लेम वेलनेस न्यूट्रिशन गिव्स अस प्रोटीन फ्रॉम थ्री सोर्सेज, और कोई नहीं देता। एंड ऑल्सो वी हैव सोर्सेज ऑफ फाइबर। फाइबर इज वेरी वेरी क्रूशियल न्यूट्रिएंट विच वी मिस आउट। रादर हम खाने में से फाइबर को निकाल के फेंक देते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। और यही फाइबर आपको न्यूट्रिशेक के जरिए मिलता है। फाइबर हेल्प्स इन योर डाइजेशन, फाइबर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इवन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकाल के फेंकता है फाइबर। तो इसीलिए फाइबर का भी होना बहुत जरूरी है। और डायबिटीज, इंडिया इज अ डायबिटीज डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का लेना बहुत जरूरी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हम किसी भी फूड आइटम से मिल जाता है मोस्टली हमें, वो नुकसान पहुँचाता है बिकॉज इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने से आपका ब्लड शुगर लेवल ना ही इमीडिएटली बढ़ता है और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको एनर्जाइज रखता है। सो ऑल दीज बेनिफिट्स यू गेट थ्रू फूड सप्लीमेंट, दैट इज द ओरिफ्लेम न्यूट्रिशेक वेलनेस न्यूट्रिशेक। और ये आपको कम से कम दिन में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप एक ग्लास शेक बना के पी लें, ये यू गेट ऑल दिस बेनिफिट जिसके बारे में अभी मैंने बात की है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू यूज इट इन अ प्रॉपर राइट वे, इसके साथ आप राइट वे में न्यूट्रिशन या डाइट लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, इट कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग योर वेट। एंड नाउ कम्स एन इवन मोर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज द ओरिफ्लेम वेलनेस ओमेगा 3। ओमेगा 3 के लिए आपको सोचना नहीं है कि क्या मैं बीमार हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं लंबा हूँ, क्या मैं मोटा हूँ, नथिंग। यू हैव टू जस्ट टेक इट बिकॉज ये इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये किसी भी खाने में नहीं मिलता। वी हैव टू टेक इट थ्रू सप्लीमेंटेशन। अब ये सोचेंगे आप कि फिर इतना क्या खास है इसमें, मैं नहीं लेता हूँ तो कौन सा बड़ा प्रॉब्लम आ गया। बट एज पर WHO स्टडीज ये कहा जाता है कि विद इन 2020 इंडिया में ज्यादा से ज्यादा डेथ होने वाली है बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। And heart problems is heart attack नहीं है, heart problems is the rise in the blood pressure, फिर cholesterol level का बढ़ जाना, ये सारा कुछ relates to heart problems। तो omega 3 not only works on the heart, I repeat, not only for the heart, ये आपका nervous system, ये आपकी आँखें, ये आपका immune system, ये आपके heart का blood pressure, cholesterol level को maintain करना, blood pressure को regulate करना, atherosclerosis यानी heart blockage के process को रोक सकती है। एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन कंडीशन को बेहतर करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखते हैं। कितने लोगों से पूछिएगा जिन्होंने हमारा ओमेगा 3 यूज किया है, अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम है सर्टेन एज के बाद जॉइंट पेन्स, ओमेगा 3 लेने के बाद वो जॉइंट पेन्स भी रिड्यूस हो चुके हैं। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग जॉइंट पेन्स। सो डू नॉट थिंक कि ओमेगा 3 क्या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, वी मस्ट टेक इट एवरी वन ऑफ अस। एटलीस्ट हमारा जो ओमेगा 3 है 12 इयर्स एंड अबव किसी को भी लेने चाहिए, टू कैप्सूल्स अ डे।
और हमारे कंसल्टेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन वेलनेस प्रोडक्ट्स का, बिकॉज़ दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन अ सेट, यानी आप अपने चॉइस का कोई भी एक फ्लेवर का डिफरेंशिएट एंड साथ में ओमेगा 3 एक साथ ले सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, इसमें पहले तो आपको एक्स्ट्रा बीपी मिलता है एंड एट द सेम टाइम आपको इसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलता है कंपेयर टू एनी अदर ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट जो आप डिस्काउंट आपको मिलता है। सो दिस इज अ डबल बेनिफिट फॉर कंसल्टेंट्स आल्सो, रादर आई विल से ट्रिपल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बीपी, डिस्काउंट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट जो मैंने कहा था, इट इज हेल्थ। एंड एज अ ट्रू मैसेंजर ऑफ हेल्थ, बिकॉज आवर मोटिव, आवर विजन फ्रॉम दिस वेलनेस कैटेगरी सिर्फ ये नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकें, वी वॉन्ट टू गिव द राइट अवेयरनेस एंड एडवाइस फॉर हेल्थ। आप ये फूड सप्लीमेंट जरूर लें, जरूर लें, बट एट द राइट टाइम एट द सेम टाइम फ्यू थिंग्स आर आल्सो नेसेसरी, जैसे आप प्रॉपर रेस्ट रखें, कम से कम 7 से 8 घंटे आप सोए, प्रॉपर न्यूट्रिशन या डाइट लें, डोंट ट्राई टू अवॉइड दिस जंक फूड, ये हम सब जानते हैं, एंड ऑफकोर्स मिनिमम हाफ एन आवर की एक्सरसाइज जरूर करें। आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं, स्विमिंग जाने की भी जरूरत नहीं, जॉगिंग की भी जरूरत नहीं, अगर ये चीज कर सके वेरी गुड, but at least half an hour of walking per day will be perfect for you. ये सारी चीजों को follow करें and we wish you the best of health and health. Thank you.